नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल दिथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और मैंने कल की क्लास में आपको बता भी दिया था कि आज हमारी परसेंटेज की क्लास है, आज हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में हम पूरा परसेंटेज का बेसिक सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे क्या होता है परसेंटेज, किसको परसेंटेज माना जाता है, कि नंबरों को कैसे काम करते हैं परसेंटेज में, तो वो आज हम पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक सीखेंगे और इसके बाद दो से तीन क्लास हम ऐसे लेंगे जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के ऊपर दो से तीन क्लास लेंगे हम और उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है परसेंटेज। जो मेन दो चैप्टर है मैथ्स के वो रेशियो और परसेंटेज है। तो परसेंटेज में आपने अच्छा दम दिखाया, आपने आराम से सीखा है, टोटल 29 क्लास हुई थी। अगर आपने रेशियो की 29 क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेनू में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट में आप जैसे जाते हो तो वहां पर जैसे भी जितने भी मैंने क्लासें करवाई है उन क्लासों का सारी क्लासों का फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में उस टॉपिक की जितनी क्लासेस है वो सारी क्लासेस वहां पर सीरियल वाइज एक सीक्वेंस में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हो। और जो एक फर्स्ट में मैंने जो फोल्डर बनाया है टू इम्पोर्टेंट वीडियोस का, ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट वीडियो वाला फोल्डर की दो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी स्ट्रेटेजी बताई है, सारे आपको टाइम टेबल के हिसाब से क्या क्या पढ़ना चाहिए, कब कब क्या क्या किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। उन दोनों जो वीडियो में आपको पूरा मैथ्स का सीक्वेंस समझाया है कि इस सीक्वेंस में मैथ्स पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ये जो दोनों वीडियो है आपको बहुत जरूरी है वो देखना, तो वो वीडियो जरूर देखिए। फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट वीडियो वाले फोल्डर में जाइए, दोनों वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमने क्या है कि मैथ्स का जितना भी बेसिक्स कैलकुलेशन है और बेसिक्स है जो मैथ्स का वो पूरा मैंने बेसिक समझाया है अलग अलग फोल्डर में, हमने बहुत सारे उस पर टॉपिक्स पे क्लास बनाई हुई है। ठीक है, किसी में दो, किसी में चार, किसी में आठ, इस हिसाब से क्लास वो टोटल बनाई हुई है, तो आप वहां से सारी क्लासेस बेसिक्स के देख सकते हो। ये जो बेसिक्स मैंने बताया है यूट्यूब पे, ये आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, एक सीक्वेंस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप उसमें जाइए, वहां से पूरे सीक्वेंस में आप सीखिए। और उसके बाद हमने रेशियो की क्लास स्टार्ट की थी जो कि अरिथमेटिक का पार्ट होता है, तो रेशियो की क्लास का हमने 29 टोटल 29 क्लास हुई थी, जो एक फोल्डर में पूरी 29 क्लास एक फोल्डर में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। और आज हमारा परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आप आराम से देखिए, आज पूरे हम बेसिक सीखेंगे परसेंटेज का और कल से हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, जो बेस होता है परसेंटेज का उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, टोटल दो या तीन क्लास उसमें हम करेंगे। उसके बाद हम अच्छे लेवल की क्लास पे परसेंटेज की क्वेश्चन जो आते हैं उनके ऊपर चलेंगे। तो मेन मुद्दा यह है कि आपको परसेंटेज समझ में आना चाहिए पूरा, तो वो परसेंटेज हम कैसे वो काम करते हैं, कैसे ये होता है, वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो अब आइए हम शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का चैप्टर। और एक बात और बता देता हूँ, 4D सीरीज स्टार्ट की है, 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया। मैंने एक 4D सीरीज जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली दोपहर को 12 बजे इस चैनल पर लेके आता हूँ, जो क्वेश्चन पहले PYQ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं या फिर उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली दोपहर को 12 बजे लेके आता हूँ। तो 5 से 6 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें आके इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली सीख सकते हो, तो वो बिल्कुल मिस मत करिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप ऐसे वीडियो कभी मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में पता होना चाहिए कि परसेंटेज एक्चुअली क्या है, परसेंटेज होता क्या है, कि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। ठीक है, अपने आप में किसी भी चीज को हम 100 मानते हैं यानी कि वो चीज पूरी। ठीक है, तो उसका मतलब होता है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब अगर नंबर में बात करें तो नंबर में एक होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, यानी कि 100% को हम एक नंबर बोलते हैं, एक यानी कि 100%। ठीक है, और कहीं भी आपको सिंप्लीफिकेशन में जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो इसका बेसिक्स क्या होता है कि जो 00 होते हैं
वो परसेंटेज के बराबर होते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक तरफ परसेंटेज को काटते हैं तो वहां पर दूसरा डबल जीरो को काट सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आपको किसी ने बोला कि 800 का एक सरल सा सवाल बताता हूं, 50% बताइए, ठीक है, कि जैसे 800 का 50% बताइए। तो आप 800 का 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 800 / 100 × 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से या फिर इस जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे और इसको रहने देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, और यानी कि 8×5 = 40 और ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 400 हो जाएगा। लेकिन ये तो एक बेसिक हो गया कि ये बेसिक करता है, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक जैसे कि आपको 800 का 50% निकालना है, ठीक है, जब बीच में इंटू होता है कि आपको 800 का 50% निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इधर इसको परसेंट को काट दो, ये डबल जीरो काट दो, और ये 8×5 = 40 और ये जीरो, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये 400 800 का 50% है। तो ये तो एक सरल था, ठीक है। तो ऐसे हम कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं कि परसेंटेज के जो बेसिक्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, जो वन होता है, ठीक है, वन को क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं, ठीक है। वन बराबर क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। और अगर इस एक के दो टुकड़े कर दिए, यानी कि इसको हम अगर आधा कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, यानी कि जो दो है वो पूरा है लेकिन हम उसकी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दो है जो 100% है, कभी भी जो फ्रैक्शन में होगा, जो नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये अंश, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं इंग्लिश में, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होता है अपने आप में 100% होता है, और जो ऊपर होता है उसको हम उसमें से उसकी किस कितने पार्ट की बात कर रहे हैं उस चीज के, ठीक है। तो अगर हम हाफ लिखते हैं तो इसका हाफ का मतलब है कि ये 50% की बात हो रही है, ठीक है। हाफ यानी कि 1/2 जब हो जाता है तो ये 50% हो जाता है। उसके बाद अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 यानी कि एक के तीन टुकड़े होते हैं, यानी कि हम टोटल तीन भाग है, किसी भी चीज को तीन भाग में बांटा गया है और उस भाग में से एक भाग की बात कर रहे हैं। तो इसको 1/3 को हम कैसे लिखते हैं परसेंटेज में, 33.33% भी लिखते हैं, ठीक है, और इसको कैसे भी लिखते हैं 33 और 1/3, ठीक है, 33 1/3 भी लिखते हैं या परसेंटेज लिखते हैं तो, ठीक है। जब परसेंटेज आएगा तो 33 1/3 आएगा, लेकिन जब 1/3 लिखेंगे तो हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कारण क्या है नहीं लिखने का, यहां पर परसेंटेज क्यों नहीं लिखते हैं हम, तो देखो ये क्या होता है, 33 जब परसेंटेज हटता है तो इसको हम 1/3 में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे होता है, ये 3 का मल्टीप्लाई 33 से होता है, यानी कि 33 × 3 = 99, और प्लस ऊपर वाला 1 हो जाता है, तो ये क्या होता है 100 हो जाता है, और जो नीचे 3 है ये 300 हो जाता है, क्योंकि इस परसेंटेज की जगह पे हम इसको डबल जीरो लगा देते हैं, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है, तो यह हमारा बचता क्या है 1/3। तो यही कारण है इसका कि 1/3 को हम 33.33 भी बोल सकते हैं और 33 1/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं 1/4, हम बोलते हैं 1/4 को हम बोलते हैं 25%, ठीक है, यानी कि 25% को अगर हम 4 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100% हो जाएगा। किसी भी चीज के चार टुकड़े करना यानी कि परसेंटेज 25% बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अगर 1/5 क्या होता है, 1 के 5 टुकड़े करना, और हर टुकड़े को हम बोलते हैं 20%, ठीक है, क्योंकि 20 × 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 होता है, तो 1/5 को हम 20% बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 1/6%, तो 1/6% को हम क्या बोलेंगे कि 16.66%, ठीक है। तो एक यहां पर देखो कि 16.66 भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम बोल सकते हैं 16 2/3। तो एक चीज देखो, अगर 33 को हम 1/3 बोलते हैं, यहां 33 है, 33 को 1/3 बोलेंगे तो 66 को 2/3 बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये 2/3 हो गया, इसका डबल हो गया, तो ये 2/3 हो गया, ठीक है। और वैसे अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करने जाएं जैसे हमने इसको किया था, तो ये कैसे होगा, ये 16 * 48 होता है, 48 × 2 यानी कि 50 हो जाता है ये, तो ये 50/300 हो जाता है, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाता है, तो बचता है क्या 5/30, और 5/30 को हम क्या बोल सकते हैं कि 1/6, ठीक है। तो यहां पर ये होता है।
आगे बढ़ते हैं, 1/7, 1/7 को हम क्या बोलते हैं, 14.28%, ठीक है, 14.28%, ठीक है। और इसको ये भी बोल सकते हैं हम कि 14/2/14 ठीक है। इसको 14 को हम 1/7 को क्या बोल सकते हैं कि 14/2% और होता है 14.28, ठीक है। इसको 14.28 बोलते हैं क्योंकि यहां पर क्या है कि किसी भी 101 चीज के 7 टुकड़े किए गए, ठीक है, 7 टुकड़े किए, उसमें एक टुकड़े की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। तो इसको 14.7 बोलते हैं हम इसको। उसके बाद देखो, क्योंकि अब अगर इसको हम देखने जाएंगे तो देखो ये 14 साथी कितना होता है, 98 होता है, ठीक है, 98 + 2 100 हो जाता है, तो 100/7 बोलते हैं इसको, ये 100/700 हो जाएगा जब परसेंटेज हटाएंगे तो, और 00 से 00 कटेगा, ठीक है। तो ये यहां पर इसको 1/7 बोलेंगे हम फिर, तो इसलिए यहां पर ये 2/7 होता है। उसके बाद हम चलते हैं 1/8, 1/8 का मतलब होता है किसी भी चीज के 8 टुकड़े करना, और एक टुकड़ा कितने बराबर होगा, जब ये होगा 1/8 होगा तो एक टुकड़े का हिस्सा, एक टुकड़े की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12.5, ठीक है, 12.5 उसकी वैल्यू होगी, 12.5% बोलेंगे। और अगर इसको फ्रैक्शन में ऐसे बोलेंगे हम तो इसको बोलेंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि 0.5 को हम क्या बोलते हैं, इसको 0.5 भी बोलते हैं हम, ठीक है, इसको 50% भी बोलते हैं और 0.5 भी बोल देते हैं, ठीक है, तो 0.5 भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिख दिए, जैसे 12.5 है तो ये 1/2 है, ठीक है। और अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं 1.1/9 की, तो 1/9, ठीक है, तो 1/9 का अगर 100 के हम 9 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े की वैल्यू आएगी 11.11%, ठीक है, 11% 11 बोलेंगे, और या फिर हम क्या बोलेंगे इसको 11 1/9, ठीक है। अब इनमें दोनों में देखो, इनमें क्या होता है कि 11 और 9 ऐसे होते हैं कि ये दोनों आपस में होते हैं, यहां पर 1/9 अगर है तो ये यहां पर 11.11 आएगा और यहां 11 सहित 1/9 आएगा। लेकिन अगर हम 11 की बात करें, एक बार पहले मैं 10 बता देता हूं, 10 को 10 तो सबको पता रहता है कि 10 यानी कि क्या होता है, 10% होता है, 1/10%, ठीक है। और अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 क्या होता है, 1/11 बोलते हैं, तो उसको ये क्या होता है, जैसे 1/9 का क्या होगा, 11.11, तो 1/11 का क्या होगा, 9.09, 9.9 नहीं होगा, गलती से ये मत लिख देना कहीं, 9.9 गलत हो जाएगा, 9.09%, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे कि 9 और इसको लिखेंगे 1/11, ठीक है, 9 1/11, देखो 11 9 99 और 99 और 100, ठीक है, यानी कि 100 का ये 100 के 11 हिस्से हो गए, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये आगे देखो, अगर हम बात करते हैं कि एक बटे बारह, ठीक है, 1/12 लिखेंगे तो एक यानी कि किसी चीज के 12 टुकड़े करना और उस एक टुकड़ा, तो वो एक टुकड़ा कितना होगा, ठीक है, तो एक टुकड़ा कितना होगा, वो होगा 8.33%, ठीक है। या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं कि 8 + 1/3, क्योंकि 33 को हम 1/3 बोलते हैं, जो हमने यहां ऑलरेडी सीखा था, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1/12 को हम लिखेंगे 8.33%, यानी कि 8.33% और 8 + 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं हम 1/13, ठीक है, 1/13 को हम क्या लिखेंगे, 1/13 को हम लिखेंगे 7.69, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे हम 7.69%, किसी भी चीज के 13 अगर टुकड़े करेंगे तो उसकी एक टुकड़े की वैल्यू होगी 7.69, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 7 9/13, ठीक है, 7 9/13 आएगा ये, क्योंकि यहां अगर 13 सत्य करेंगे तो 91 आएगा, तो यहां 9 बच जाएगा 100 के लिए, तो यहां 9 आएगा, ठीक है, 13 सत्य 91 + 900 100/13, ठीक है, तो 1/13
उस हिसाब से रहता है। उसके बाद हम चलते हैं 1/14 में, ठीक है। तो आप यहां देखो, हमने क्या लिखा था, 1/7, ठीक है। 1/7 का क्या था, 14.28। तो 1/14 का क्या होगा, 7/14, क्योंकि यहां पर डबल था, यहां इसका आधा हो गया, तो 14 का आधा 7, 28 का आधा 14, तो इसको लिखेंगे हम 7.14% और इसको हम लिख सकते हैं 7/7, क्योंकि यहां क्या लिखते थे, 14 2/7, तो यहां 7 1/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 1 50, तो 50/7 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 50/700 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.14, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। उसके बाद हम बताते हैं 1/15, तो 1/15 को हम क्या बोलेंगे, 1/15 को हम बोलेंगे 6.66, ठीक है, 6.66%, तो 6.66%, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 66 को हम क्या बोलते हैं, अगर 0.66 है तो हम उसको लिख सकते हैं कि 2/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/2/3, ठीक है, 6/2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 15 हो गया, 15 तक। उसके बाद चलते हैं 16, 1/16, तो 1/16 को हम क्या लिखेंगे, आपने सुना होगा कि 16 आने, सुना ना, 1 रुपए में 16 आने, तो ये वही है, ठीक है। यानी कि 16, अगर किसी चीज के 16 टुकड़े करेंगे तो वो आएगा, तो लेकिन इसकी फ्रैक्शन, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये 6.2 आएगा, यानी कि 6.25 रुपए, 6.25 का एक हिस्सा होता है, अगर 6.25 के 16 हिस्से बनेंगे तो वो एक टोटल 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज, और हम इसके साथ लिख सकते हैं 6/1/4, ठीक है, क्योंकि 2.25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां हमने लिखा था 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, हम तो 0.25 को हम 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर 1/16 का क्या आएगा, 6.25 और 6 1/4, ठीक है। तो ये यहां पर 1 से लेके जो 16 तक के फ्रैक्शन है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, मुखाकर याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो एक मैंने पीडीएफ बनाई है, इंस्टेंट नोट पीडीएफ, ठीक है। तो आप जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे, लिख के भेजेंगे कि पीडीएफ नोट चाहिए, इंस्टेंट नोट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वो चार्ट आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उसको देख सकते हो, वहां पढ़ सकते हो। इस चार्ट में, उस चार्ट में सिर्फ फ्रैक्शन ही नहीं, उसमें टेबल भी है, उसमें क्यूब रूट भी है, स्क्वायर रूट भी है, उसमें बहुत सारा आपको पढ़ने के लिए मटेरियल है। तो वो पीडीएफ मैंने बना के रखी हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे यहाँ पर लिंक भेजिए, एक मैसेज करिए कि ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे चार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपसे बहुत कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा इससे, जैसे जैसे ये आपने ये याद कर लिया, और इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के साथ, ये आपको ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको ये कब याद हो गए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं 1/17, तो इसका ये फ्रैक्शन एक्शन बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सीधा आपको ये बता देता हूं। अगर हम 17 की बात करते हैं, 1/17, तो इसकी वैल्यू होती है 5.88%, ठीक है, 5.88% होता है। अगर 18 की हम बात करें तो ये होता है 5.55%, ठीक है, 5.55% होता है 1/18 की वैल्यू, और 1/19 की, 19 की वैल्यू, 1/19 की वैल्यू आएगी आपकी 5.26%, ठीक है, 5.26%, ठीक है। और 1/20 की वैल्यू तो बताइए आपको 5% आएगी, ठीक है। तो ये 1 से 20 तक जो ये बहुत सारे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतने अगर आप फ्रैक्शन याद कर ले तो फ्रैक्शन जो परसेंटेज निकालना, हम इसको बोलते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो ये दोनों चीज आपको यहां पता होना चाहिए कि 1 के बराबर 100, आधे के बराबर 50% या 0.5 बोलेंगे, और इसको हम 0.25 बोल सकते हैं, 0.25, ठीक है। देखो 1/3 यानी कि 33.33 और 33/1/3, 1/4 तो 25% और 0.25, 1/5 को हम बोलेंगे 20%, 1/6 को हम बोलेंगे 16.66% और 16/2/3,
एक बटे सात को हम बोलेंगे 14.28% और 14.27% प्रतिशत, ठीक है। और 1/8 को बोलेंगे 12.5% और 12.2%, ठीक है। उसके बाद 1/9 आता है, तो 1/9 क्या होता है 11.11% और 11.19%, और ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, 11 और 9, ठीक है। जहां 11 आ रहा है वहां 9 आ जाएगा, 9 की जगह 11 आ जाएगा। तो 10 का तो होता है 10%, 11 का होता है 9.09%, और 9 सहित 1/11, और 1/12 का होता है 8.33% और 8 सहित 1/3, 1/13 का होता है 7.69% और 7.9/3, 1/14 का होता है 7.14, जस्ट 7 का आधा 14, ठीक है। अगर यहाँ 7 कर रहे हैं, यहाँ 14 कर रहे हैं, तो सीधा उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ 14 का 7 आ जाएगा, 28 की जगह 14 आ जाएगा, ठीक है। और 14 सहित 2/7 है, तो 14 सहित 1/7 आ जाएगा। उसके बाद ये 15 का आ जाएगा 6.66% और 6/3, 16 का आ जाएगा 6.25% और 6/4, 1/17 का आएगा 5.88%, 1/18 का आएगा 5.55, 1/19 का आएगा 5.26% और 1/20 का आएगा यानी कि 5%, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई, अभी हम कुछ एग्जांपल से सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं कि यहां पर 4x8 लिखा है और इसका 1/4 करना है, ठीक है। तो इसका 1/4 करना है तो क्या करोगे, इसका 1/4 करोगे तो आप ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, चार देखते ही यानी कि इसके चार टुकड़े करने और उसमें से एक हिस्से का बात कर रहा है। तो अगर आप ऐसे आपको पता दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसको सीधे चार टुकड़े करने हैं और एक टुकड़े की बात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, हम सीधा इसको 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 2x2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चारों का हम सीधा चार टुकड़े करेंगे और एक टुकड़े की बात करने के, 2 × 8 होते हैं, तो यहां पर पूरे 2x2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, ये है 11,000, और अगर हम इसको 11 की बोलेंगे कि इसका 1/9% बताओ, ठीक है, 1/9 बताओ, ठीक है। तो 1/9 इसका कैसे करेंगे, ठीक है, बोलेंगे 1.11%, 1/11 बोलेंगे इसके 1/11, 1/11%, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इंटू 9/11%, तो कैसे करेंगे इसको, अगर आप वैसे करोगे तो वैसे पसीने आ जाएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन इसको बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका देखो, आपको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मैंने यहां बताई आपको कि 11 सहित 1/9, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 1/9, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 11/9 ये क्या है, 11/9 99 और 100 यानी कि 100/1100 है, ठीक है, 100/1100 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/11 हम इसको बोल सकते हैं। तो ये अगर ये 1/11 हो गया, अगर इसको 1/11 हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1 × 1/11, तो 11 से क्या होगा, इसको टक से आप करोगे और 1 की वैल्यू बता दोगे कि 1 की वैल्यू 1000 रुपए है, ठीक है। तो इसको फट से कैलकुलेट कर दोगे। देखो अभी 1/3 का मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि 1/3 को हम कैसे करते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 14 × 7.14%, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.14%, या फिर लिख सकते हैं कि 14,000 × 7/14 क्या है अपना, ना 7, या 7/1/7 × 7/1/7, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगर आप 14 इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये ऐसे आएगा, और इसको कैलकुलेट अगर आपको नहीं आता है कि हाँ इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा दिखता है तो सीधा इसका 7 हटा दो, बस ये 1/7 हो जाएगा, अगर आपको याद है तो। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि साथे साथे 49 और 1/50, ठीक है, 50/ इसका अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे 700 हो जाएगा, ठीक है, 700 हो जाएगा,
और 700 से जीरो एक कट जाएगा, मतलब ये क्या बचा अपने पास 5/70। और अगर हम इसकी एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ये अगर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये 14 हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये 7 हो जाएगा, 1/7, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको जैसे हम करेंगे फिर इसको 7 से, यहाँ 14 आएगा ना, 14 1/14, इसको हम अगर करेंगे इनटू ये करेंगे 1/14, ये 1/14 है, ठीक है। तो 1/14 तो इसको हम क्या करेंगे, ये 14 से सीधा 14 कटेगा तो ये सीधा 1000 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहां से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक का समझ में आया होगा। अब हम एक तरफ से नंबर लेंगे, जैसे 1/2, जैसे 1 तो नहीं है, फिर 2/2, 2/3, ऐसे हम एक एक नंबर और एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेसिक और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो 1/2 का तो आपको जैसे पता ही है कि 1 तो 100 होता है, 1/2 क्या होता है 50% होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, ठीक है। उसके बाद 1/3 की बात करते हैं, तो 1/3 क्या होता है 33.33% और 33 1/3, ठीक है, ये दोनों होते हैं। अगर हम 1/4 की बात करें, अच्छा 1/1 तो सारे हो ही गए हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, अभी 2/3 अगर हम लिखते हैं कि 2/3, तो 2/3 क्या होगा, 2/3 को हम बोल सकते हैं 66.66%, और इसको बोल सकते हैं कि 1666 सहित 2/3, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 66 की जगह पे हम 2/3 लिख सकते हैं, तो 66 इसको ये कैसे कैलकुलेट होगा कि 66 किया कितना होता है कि 50 किया 150 और 16 किया 48, तो ये 198 होगा प्लस 2, यानी कि ये 200 अपॉन में आ जाएगा, ये परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा यहाँ पर 300 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, यानी कि ये बचेगा क्या 2/3 बचेगा, ठीक है। 1/4 का मैंने आपको बता दिया 25% है, ठीक है। चलो एक तरफ यहां और कर लेते हैं, अगर 1/4 का हम लिखेंगे 25%, तो हम 2/4 का क्या लिखेंगे, 2/4 यानी कि 2/4 को देखो 2/4 होगा ही नहीं, 2/4 क्या होगा, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का तो आपको पता ही है 50% ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 3/4, अगर 3/4 की बात हम करते हैं तो मतलब एक किसी चीज के चार टुकड़े किए, तो चार टुकड़े किए तो एक टुकड़ा कितना हुआ 25% का, 25%, तो 25 × 3 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा, यानी कि जब 3/4 देखिएगा तो आपको पता होना चाहिए 75% है, ठीक है। और 4/4 तो अपने आप में 100% हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1/5 में चलते हैं, आगे करते हैं, देखो 1/5 तो 1/5 क्या होगा 20%, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में अभी बताया था 20%, लेकिन अगर 2/5 होगा तो क्या होगा, 2/5 होगा तो वो क्या होगा 40% होगा, क्योंकि एक हिस्सा 20 है तो दो हिस्से कितने होंगे, यानी कि 100 के 5 टुकड़े किए तो 20-20 का एक टुकड़ा बना, और 20 में से दो टुकड़े की बात कर रहे हैं, अगर 5 में से दो टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक टुकड़ा है 20 का तो दो कितने का होगा 40 का, ठीक है, तो ये 40% होगा। अगर 3/5 की बात करते हैं तो ये 60% होगा, ठीक है, और अगर 4/5 की बात करते हैं तो ये होगा 80%, ठीक है, और 5/5 तो 100 होगा इसी, ठीक है, तो 5/5 तो जैसे 5/5 होगा तो ये कट जाएगा 1 से, यानी कि और 1 को हम 100% बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 1/6, ठीक है, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब होता है 16.66%, ठीक है। 1/6 का मतलब होता है कि एक
एक 100 के टुकड़े की, एक के टुकड़े की है 6 और एक टुकड़ा कितना है 16.66% है। और अगर हम 2/6 बोलेंगे तो क्या होगा, 2/6 इससे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2/6 को हम क्या बोल सकते हैं कि 1/3 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। और 1/3 क्या होता है कि 33.33 होता है, जस्ट 16.66 का डबल हो जाएगा वो 33.33%, ठीक है, यानी कि वो 1/3 हो जाएगा। अगर 2/6 होगा तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कि 3/6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 50% उसका आधा हो जाएगा जस्ट, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा तीन से एक बार और तीन से दो बार, तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 4/6 करेंगे तो 4/6 क्या होगा, तो ये होगा 3/4, ये 2/3, ये 2 हो जाएगा 2/3, तो 2/3 क्या होता है 66.66, तो 66.66% और लिख सकते हैं उसको 66 / 2/3%, ठीक है। ये जो हम अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया 66 का, यहाँ पर भी किया था, ठीक है। और अगर 5/6 की बात करें तो 5/6 मतलब 100 में 16.66 की कमी है, ठीक है, क्योंकि एक ही कम है यहाँ पर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 16.66 का आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 83.33, ठीक है, तो 83.33% हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 16.66 की कमी होगी उसमें बस, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा 5.6, ठीक है। अगला देखते हैं 1/7, तो 1/7 आपको पता है 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14.28%, और क्या बोल सकते हैं उसको, 14/2/7%, ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था 1/7। और अगर 2/7 की बात करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 14 का 28 हो जाएगा और 28 का 56 हो जाएगा, ठीक है, 28/56 हो जाएगा। और अगर इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, ये परसेंट है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 28/4/7, ठीक है, 4/7 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि 3/7 तो ये कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, यानी कि 14 * 42 हो जाएगा और 28 का 3 गुना, ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 42.85 हो जाएगा, ठीक है, 85% हो जाएगा। और अगर हम इसकी फ्रैक्शन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 42 और यहां पर कितने थे, 2, 4 और ये 6 हो जाएगा, 6/7, ठीक है, 42 6/7 हम इसको फ्रैक्शन में बोल सकते हैं। अगर हम 4/7 की बात करें तो 4/7 क्या होगा, 28 का सीधा डबल हो जाएगा, यानी कि यहां पर 56 भी नहीं होगा, ये 57 हो जाएगा आगे, ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 56 जो पॉइंट 56 है ये 100 से ऊपर निकल जाएगा, तो एक उधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57.14%, ठीक है, ये हो जाएगा 57.14%। और इसके बाद अगर हम करें कि 5/7 की बात, 5/7 की बात अगर करते हैं तो ये 71.42% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5.7, और उसके बाद 6/7 की बात करें हम, 6/7 तो 6/7 क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा 85.71 हो जाएगा, ठीक है। और जब 7/7 हो जाएगा तो वो तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक मतलब दो का कर दिया, एक दो तीन का, तो तीन का तो कुछ नहीं, तीन तो ऐसे ही है, उसके बाद 4, 5, 6, 7 का कर दिया, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं 8 की तरफ, आठ का हम ऐसे करते हैं, इसको मिटा के अगले पे करते हैं। देखो 1/8,
1/8 का मैंने बताया था आपको, 8 मतलब 12.5%, ठीक है, 12.5 भी बोलेंगे और इसको 12 बोलेंगे, 12 सहित 1/2, ठीक है, 12/1 सहित 2%। ये सब आपको जो इंस्टेंट नोट पीडीएफ मिलेगी आपको सब मिलेगा उसमें, ठीक है, आपको सिर्फ मंगाना है व्हाट्सएप पे उसको। उसके बाद देखो अगर हम 2/8 की बात करेंगे यानी कि इसका डबल हो जाएगा, तो 12.5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है, और 25% को क्या बोलेंगे हम, 1/4, तो देखो ये कट भी जाएगा 1/4, ठीक है, तो 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 3/8 की, अगर 3/8 की बात करेंगे तो ये इसका कितना, ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि भारतीय 36 36 और 37 और 37.5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 37.5%, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम 37 1/2, क्योंकि जहां 0.5 की बात हो रही है वहां 1/2 लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम अगर 4/8 की बात करें तो ये कट जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब होता है 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, 4 का 1 तो 8 का 2, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, सीधा आता उसका 50% हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाएगा 5/8, तो 5/8 क्या होगा, 12.5 का 5 गुना, ठीक है, यानी कि 50% प्लस 12.5, तो ये क्या हो जाएगा 62.5%, और 62.5% को हम क्या बोल सकते हैं, 62 1/2, ठीक है, 1/2%। उसके बाद आते हैं हम 6/8, तो 6/8 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, और 3/4 को क्या लिखेंगे हम 75%, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 7/8, तो 7/8 क्या होगा, यानी कि सिर्फ एक हिस्सा कम होगा 100 में, तो एक हिस्सा कितना है 12.5, यानी कि 87.5, ठीक है, 87.5%, क्योंकि 12.5 ही, सिर्फ 12.5 ही कम है 100 में, तो ये हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं 87 1/2%, ठीक है, तो ये हो गई 8 की बात, ठीक है, ये हो गई 8 की बात। अब हम चलते हैं 9 पे, देखो तो 1/9 को हम क्या बोलेंगे, 11.11%, ठीक है, 9 को हम बोलेंगे 1.11.11%, ठीक है। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब क्या चलेगा, ये 11 का पहाड़ा चलता रहेगा, जैसे 11 की टेबल है ना, 11 22 33 44, तो ऐसे ये भी कैलकुलेट होता रहेगा। अगर हम 2/9 की बात करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 22.22%, ठीक है। अगर हम 3/9 की बात करें तो 3/9 क्या होगा, 33.33%, और 33.33% को हम क्या बोलते हैं, 1/3, और ये देखो यहां पर ये इसको 1 से और ये 3 से कट जाता है, तो ये 1/3%, ठीक है, 1/3। उसके बाद देखो 4/9, तो 4/9 क्या होगा, 44.44% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5/9, यानी कि 5/9 क्या होगा, तो 55.55 हो जाएगा, 55%, ठीक है। और जैसे अगर फ्रैक्शन में इनकी बात करें तो फ्रैक्शन में ये क्या होते रहेंगे, ये 11 1/9 है, ठीक है, ये 11 1/9 है, ये क्या हो जाएगा, 11 2/9, ठीक है, ये हो जाएगा 11 3/9, ठीक है, ये हो जाएगा 11 4/9, और ये हो जाएगा 11 5/9, ऐसे इसमें एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसके बाद 6/9, तो 6/9 क्या है, 6/9 को हम बोल सकते हैं कि 2/3, और उसका मतलब क्या होता है, 66.66%, यानी कि 2/3 किसको बोलते हैं, 2/3 किसको बोलते हैं, 2/3 यानी कि 66 को, तो ये हो गया, ठीक है। अगला हमारा आएगा 7/9, तो 7/9 हमारा हो जाएगा 77.77%, ठीक है, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 6/9 11 6/9, इसको लिखेंगे 11 7/9, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 8/9, तो 8/9 का मतलब ये है कि सिर्फ 100 में से 11.11 ही कम है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 88.88,
88.88, ठीक है, तो 88.88, ठीक है। और ये इसके बाद इसको अगर फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 सहित 8/9, ठीक है। और उसके बाद तो 9/9 आ जाएगा, यानी कि वो 100% हो जाएगा, क्योंकि वो 1 हो जाएगा करके, ठीक है। तो ये था अपना आज का परसेंटेज का बेसिक्स, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आप इंस्टेंट पीडीएफ नोट ले सकते हैं और वहां से पूरा वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स मैंने समझाया है, इस बेसिक्स को अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, आपको तभी काबू में आएगा परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक्स के क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, वो वाले क्वेश्चन हम सीखेंगे कल की क्लास में। आज पूरा हमने बेसिक सीख लिया है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को अच्छे से देख लेना अपने टाइम पर, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और पीडीएफ नोट जरूर मंगा लेना, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको पीडीएफ नोट दे दूंगा, ताकि आपको उससे पूरा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज वगैरह का, उसमें क्यूब रूट स्क्वायर रूट सब कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ फायदे वाली चीज है वो, तो उसको मंगा लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल, इसकी हमारी ये पहली क्लास थी आज परसेंटेज की, तो इसमें हमने बेसिक्स लिया है, अब कल हम क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। तो तब तक आप इसको इनको इतने सीखो, और बाकी अगर दूसरे टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 29 क्लास करवा रखी है, तो 29 क्लास में इतने सारे क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं इतने सारे टाइप के क्वेश्चन करना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब काफी कवर हो गया, काफी क्या लगभग पूरे कवर हो गया, तो बढ़िया से समझाया मैंने उसको, आप वहां से सीखिए, ठीक है। और 4D सीरीज देखना ना भूलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज जो दोपहर को 12 बजे डेली आपको मिलेगा, वो भी देखते रहना, ताकि आपको हर चीज अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे कल हम वापिस, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।